इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे जो रेफ्रिजरेंट सिस्टम होता है वहाँ पे जो हम रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं उन रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होता है, चाहे वो स्टैंडिंग में हो, सक्शन हो या डिस्चार्ज हो। इसके अलावा जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, साथ ही इनको स्टोर करने के लिए किस कलर के सिलेंडर का यूज किया जाता है, ये सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करें R22 की। तो R22 का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो 150 से 155 PSI होता है। इसके सक्शन प्रेशर की बात की जाए तो सक्शन प्रेशर 60 से 70 PSI होता है। डिस्चार्ज की बात की जाए तो डिस्चार्ज प्रेशर इसका 250 से 300 PSI होता है। और इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग -40.8 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके सिलेंडर की बात की जाए तो इसके लिए जो सिलेंडर यूज किया जाता है उसका कलर हल्का ग्रीन होता है। जिस कलर के सिलेंडर यहाँ पे इनको रखने के लिए यूज किए जाते हैं वो हम यहाँ पे साइड में आपको दिखाते रहेंगे। अगले रेफ्रिजरेंट की बात की जाए तो अगला रेफ्रिजरेंट है R410, जिसका स्टैंडिंग प्रेशर है 225 से 300 PSI, सक्शन प्रेशर है 120 से 130 PSI, डिस्चार्ज प्रेशर है 450 से 500 PSI और इसका बॉइलिंग पॉइंट है -51.4 डिग्री सेल्सियस। अगला जो रेफ्रिजरेंट है वो है R134A। इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो 85 से 95 PSI होता है। इसका सक्शन प्रेशर 12 से 15 PSI होता है। इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है वो 150 PSI होता है। और इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -26.2 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला रेफ्रिजरेंट है R600। अब R600 का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो 40 से 50 PSI होता है। इसका सक्शन प्रेशर 1 से नीचे ही होता है। इसके डिस्चार्ज प्रेशर की बात की जाए तो इसका डिस्चार्ज प्रेशर 150 PSI होता है। और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -11.7 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला रेफ्रिजरेंट है R32। अब R32 का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो 240 से 245 PSI तक होता है। सक्शन प्रेशर की बात की जाए तो ये 110 से 115 PSI होता है। अब डिस्चार्ज प्रेशर को देखें तो R32 का जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है वो 175 से 375 तक जाता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -52 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। अगला जो रेफ्रिजरेंट है वो है R290। R290 का स्टैंडिंग प्रेशर है 125 से 130 PSI, सक्शन प्रेशर है 60 से 70 PSI, डिस्चार्ज प्रेशर है 275 से 300 PSI और R290 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -42.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अगला रेफ्रिजरेंट है R407C। तो R407C का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो 180 से 185 PSI, सक्शन प्रेशर इसका 70 से 80 PSI होता है। इसके डिस्चार्ज प्रेशर की बात की जाए तो ये 275 से 300 PSI होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट -45 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला रेफ्रिजरेंट है R404A। अब R404A का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो 180 से 185 PSI तक होता है। R404A का सक्शन प्रेशर 80 से 90 PSI होता है और इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है वो 275 से 300 PSI तक होता है। अब इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो -46.2 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला जो रेफ्रिजरेंट है वो R417 है। अब R417 का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो 140 PSI होता है। सक्शन प्रेशर की बात की जाए तो इसका सक्शन प्रेशर 65 PSI होता है और इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है इसका डिस्चार्ज प्रेशर 261 PSI होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इन सबसे जुड़ा अगर आपका कोई और सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा HVAC से जुड़ी अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी ये दोनों राइट और लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।